व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं हाथ में तिरंगा लेकर उतरे हिंदुस्तानी को देख कहां फूटा खालिस्तान, पाक मीडिया और पाकिस्तान के लोग का भी क्या कह रहे हैं। और वीडियो भाई सच में ही दिल छूलेगी आपको, क्योंकि रिस्पेक्ट है जितने भी भारतीयों ने जो NRI वहां पर आंखों में आंखें डालकर उनके प्रोटेस्ट के सामने गए, भारत का झंडा लेके गए। और सीधा भाई ये होता है कि मतलब तुम भारत में तो कर नहीं पा रहे, तो तुम दूसरी जमीन पर जाकर है विदेशों में तुम भारत को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कंसोलिडेट के झंडा उतार रहे कहां कहां एम्बेसी के वहां पर, बहुत सही मुंह तोड़ जवाब कहते हैं इसे। और अभी भारत सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, देखना कुछ टाइम बाद आपको ये भारत भी कुछ नहीं दिखेगा ये वाला। करते हैं वीडियो शुरू, 1 2 3 गो। देखो ये बिल्कुल वैसे हो गए थे आप ऐसे बाहर, बिल्कुल ही आप ऐसे बाहर इंडिया वाले कह रहे हैं मजा आ गया, स्वाद आ गया। ये जो सो कॉल्ड खालिस्तानी थे ना, इन्होंने बोला था 8 तारीख को हम ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। एक तो इनकी प्रोटेस्ट दुनिया भर में जो इन्होंने प्लान करी थी फ्लॉप हो गई। ये होता है तुम्हारे तरीके से तुम्हें जवाब देना। जब जब ये सामने आएंगे ना अपने गंदे शक्ल लेके, ये तब तब सारे के सारे हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाना और इनके सामने दीवार बढ़ के खड़ी हो जाना। क्योंकि वो जो कॉन्सुलेट है ना दोस्तों, वो जो हाई कमीशन है, वो जो एम्बेसी है, वो आपका घर है, वो हिंदुस्तान की मिट्टी है। और हिंदुस्तान की मिट्टी में ना कुत्तों और सुअरों को लौटना नॉट अलाउड। वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई है। एक टोरंटो में भारत माता मंदिर को इन्होंने डिफेस कर दिया और उसके ऊपर पोस्टर लगा दिया। अच्छा, खालिस्तानियों ने कभी कुछ बनाया तो है नहीं। मैंने क्या बोला, चौथी पांचवी फेल। हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। इसकी वजह यह है कि जब हमें आज दिन में पता ही चला कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। खुदा ना खास्ता धमकाया गया है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की असैसिनेशन की कोई बात हो रही है। इमरान खान आर्मी चीफ को कत्ल करने की कोई प्लानिंग कर रहा है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। एज पर ट्विटर रूल्स गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ। सही है, यही जवाब चाहिए मेरे लोगों को। नमस्कार दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानियों के साथ एक बड़ा खेला हो गया है और सही हुआ। हम सब जानते हैं कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में ये खालिस्तानी एक एक डॉलर के लिए भारत माता के खिलाफ नारे लगाते हैं और भारत को गालियां देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हमारे भारत माता के सच्चे सपूत जो कनाडा, अमेरिका और US में बस रहे हैं, उन्होंने इन खालिस्तानियों को खुली चुनौती दे दी है। दरअसल दोस्तों, कनाडा में ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत के खिलाफ, लेकिन इन खालिस्तानियों को भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद के नारों से इन्हें बता दिया है कि भारत का तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता रहेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये खालिस्तानी अब कनाडा के पुलिस से भी अच्छी खासी मार भी खाए हैं और अब ये वीडियो पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आप सोच रहे होंगे मेजर इतना खुश क्यों है आज, क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हो? भाई साहब मजा आ गया, स्वाद आ गया। ये जो सो कॉल्ड खालिस्तानी थे ना, इन्होंने बोला था 8 तारीख को हम ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। एक तो इनकी प्रोटेस्ट दुनिया भर में जो इन्होंने प्लान करी थी फ्लॉप हो गई। कुछ बेरोजगार बंदे जो यहां से गए कनाडा सिटीजनशिप लेने के लिए, ठीक है, जो जिनको बोला इन लोगों ने कि भाई तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, ये सब वो कुछ लोग खड़े थे। अच्छा, टोरंटो में एक ऐसी चीज हुई जिससे कि मेजर का खून 5 किलो बढ़ गया। वहां पे एज यूजुअल अपना रोना लेके, अपना वो गंदा सा झंडा लेके, सो कॉल्ड यू नो द खालिस्तानी उनके सामने खड़े हो गए इंडियंस। अब खालिस्तानी ऐसे हो गए भैया, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। ये कह रहे तो धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। अच्छा, इसका क्या मतलब है? भारत के रहे नहीं, क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करके विदेश गए थे, ठीक है। और विदेश की जहां पे सेटल हो गए, चाहे कनाडा, चाहे UK, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे US, वहां की इनको वैल्यूज समझ में नहीं आती, क्योंकि बेसिकली ये आतंकवादी हैं। दिल से तो आतंकवादी हैं ना, दिमाग तो इनका पैदल है, काम ये लोग जानते नहीं, कोई स्किल्स है नहीं इनमें से, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट तो निकलता नहीं है, कोई बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन, IT
जो आईटी इंडस्ट्री चला ऐसा तो कोई नहीं निकलता है, तो ये खच्चर के खच्चर खोदते हैं ये लोग। अच्छा ये लोग खड़े हो गए झंडा लेके, वहां पे इंडियंस आ गए सामने, इंडियंस आ गए सामने वहां पे खड़े होके। और मैं जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है, मैं आपको सल्यूट करता हूं और मैं आपको नमन करता हूं, जय हो, जय हो। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। आज संडे का दिन है दोस्तों, आज मजा आ गया। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, जब जब ये सामने आएंगे ना अपने गंदे शक्ल लेके ये, तब तब सारे के सारे हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाना और इनके सामने दीवार बढ़ के खड़ी हो जाना। क्योंकि वो जो कॉन्सुलेट है ना दोस्तों, वो जो हाई कमीशन है, वो जो एम्बेसी है, वो आपका घर है, वो हिंदुस्तान की मिट्टी है। और हिंदुस्तान की मिट्टी में ना कुत्तों और सुअरों को लौटना नॉट अलाउड। और मुझे बहुत खुशी हुई जो कनाडा के हमारे एनआरआई भाई बहन वहां पे पहुंचे और वहां पे खालिस्तानी को बड़ा जोश चढ़ा, बड़ा जोश चढ़ा। बैरिकेड, अच्छा एक तरफ ये थे सो कॉल्ड खालिस्तान, खालिस्तान तो कुछ चीज है ही नहीं ना, सब फ्रॉड है, सो कॉल्ड खालिस्तानी यहां पे, राइट। और एक तरफ अपने एनआरआई, एक खालिस्तानी के मन में उबाल चढ़ा कि मैं जाऊं, मैं कुछ करूं, मैं यू नो आई शुड डू समथिंग। वो बैरिकेड तोड़ के भागा, वहां पे कनाडा का पुलिस वाला खड़ा था, दो थप्पड़ मारे खालिस्तानी से, दो थप्पड़ मारे उसके मुंह में, कहता है तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है, तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है। चौथी फेल फाड़, पांचवी फेल फड़ाक, ऐसा मारा है इनके, पकड़ के फिर अंदर डाला इनको, फिर बाद में पता नहीं इनको छोड़ा छाड़ा क्या करा। लेकिन ये होना चाहिए दोस्तों, जब भी ये खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानी सुअर, जब भी ये आए किसी भी इंडियन हाई कमीशन के सामने, कॉन्सुलेट के सामने, एम्बेसी के सामने, वहां पे इनको तिरंगे की एक दीवार मिले। अब थोड़ी सी कॉमेडी कर लेते हैं, पाकिस्तान से नया कॉमेडी सर्कस शुरू हुआ है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लीडर मौलाना साद रिजवी, इसने ये बोला है कि पाकिस्तान को स्वीडन के ऊपर हमला कर देना चाहिए। ओहो, अटैक, बिल्कुल तेल टैंक, ये कहता है कि इनको अटैक कर देना चाहिए और तब ये इस्लाम के खिलाफ जो बकवास करते हैं, ये इनकी बकवासें रुकेंगी, इनको कर देना चाहिए अटैक स्वीडन पे। और यू हैव इंसल्टेड कुरान, सो वी डिक्लेयर ऐलान जंग अगेंस्ट यू। ये देश तो अलग ही चलता है। ये देखो यार, पाकिस्तानी पीएम अलोंग विद नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स चीफ शुड समन द एंबेसडर ऑफ स्वीडन टू टेल हिम। ओए साद रिजवी, तू तो बड़ा सोना मुंडा निकला रे साद रिजवी। साद रिजवी कहता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कटोरा आजम भीख मांगता है, जो वो एयरफोर्स नेवी और आर्मी के चीफ जो कि प्लॉट घेरते हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में कॉर्नर प्लॉट घेरते हैं ना डीएचए के, जिनका काम था कश्मीर घेरना, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी वो वाले आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, इनको बुलाओ और स्वीडन को बोलो कि तुमने इस्लाम की बेइज्जती करी है, हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करते हैं। मैं बता रहा हूं भाई साहब, अब ये देखो क्या होगा, पाकिस्तानी आर्मी अटैक करेगी, ठीक है, स्वीडन के ऊपर, ये जाएंगे अपने टैंक में खुद के बॉर्डर तक पहुंच के, तेल खत्म, राइट, इनके टैंक का तेल खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं कहता हूं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम टैंक से नहीं जाएंगे स्वीडन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट मंगाओ, उसमें जाएंगे, तो 10 जहाज मंगाएंगे, उसमें पाकिस्तानी बैठेंगे, ठक ठक, बीच में रुकेंगे ये कहीं पे मलेशिया फलेशिया रिफ्यूल करने के लिए, मलेशिया इनके जहाज पकड़ लेगा, क्या यार तुमने तो उसका पैसा ही नहीं दिया, फिर ये वहां पे खड़े हो जाएंगे, आधे लोग डिपोर्ट हो जाएंगे, आधे लोग कहेंगे नहीं हमारे अंदर जज्बा है, हम जज्बे वाली कौम है, तो हम स्वीडन पहुंच के दिखाएंगे, हम जिहाद करके, जिहाद नहीं जहाद करके दिखाएंगे, ठीक है, ये और इनका टंटा है जहाद का। एनीवे ये किसी तरीके से स्वीडन पहुंचेंगे और जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी घुसेगी ना स्वीडन के अंदर, आपको पता है क्या होगा, जिहाद के नाम पे सोचिए क्या होगा, पाकिस्तानी आर्मी अपनी वर्दी उतारेगी, अपने हथियार फेंकेगी नाली में, ठीक है, और वहां पे इलीगल इमिग्रेंट बन के वहीं पे देख लेंगे कहां पे ज्यादातर पाकिस्तानी रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में घुस जाएंगे। ये इनका प्लान है अटैक का, इनका प्लान ये नहीं है कि उन्होंने कुरान जलाई है तो हम बदल लेंगे, ना 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 भाई ना, कैसे भी निकलो ये वहां पे पहुंच जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं इलीगल इमिग्रेशन करके। ये जो लास्ट में सर ने बोला ना, ये गजब थी कि जाएंगे बॉर्डर पे पहुंचती तेल खत्म, अभी हाल ही में न्यूज आई थी हाल ही में कि इनके टैंकों में तेल खत्म है, भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल अलग है पाकिस्तान का, ये चीज तो मैं कहूंगा। और इनका ये चीज देखिए, हर एक कंट्री में रह रहे हैं लेकिन उसके बाद भी
ये कभी भी उस कंट्री के सगे नहीं होंगे, किसी के नहीं होंगे, किसी के। एंड सीरियसली बिग सलूट टू ऑल द इंडियंस NRIs जो वहां पर गए प्रोटेस्ट उनके खिलाफ किया, देश के लिए स्टैंड लिया, आंखों में आंखें डाल। और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे मैंने ये चीज देखी है, मीडिया तो कर रही है लेकिन कम लोग ही बोलते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर ये जब इतना बड़ा स्टेप उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए हैं वहां पर सामने, क्योंकि देश की बात है और उनके लिए तो एक सैल्यूट बनता है, सैल्यूट यार बिल्कुल बनता है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या क्या है जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।